एक उधर रखो, आगे रखो ये बियर दे, बियर चार अभी ये एक एक उधर, हाँ सब उधर हल्द्वानी के सुभाष नगर क्षेत्र में पुलिस ने घर से चल रहे शराब के बड़े गोदाम को पकड़ा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह मौके पर पहुंची। चेकिंग करने पर दो घरों के कमरों से पुलिस ने भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की शराब बरामद की है। बताया जा रहा है जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उससे पहले ही शराब तस्कर कमरा बंद कर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने दोनों कमरों को खुलवाया। इन कमरों में शराब को स्टॉक कर होम डिलीवरी की जाती थी। नई सिटी मजिस्ट्रेट ने कमरे से टैक्सी स्टैंड पार्किंग की कई बुकें भी बरामद की हैं, जिसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि सुभाष नगर के इस घर में लंबे समय से अवैध शराब का खेल चल रहा था। वहीं अब पुलिस पकड़ी गई शराब को जब्त कर कार्रवाई में जुट गई है, साथ ही जांच भी की जा रही है आखिर ये शराब किसकी थी। हालांकि जिन कमरों से शराब बरामद हुई है वो दोनों कमरे किराए पर लिए गए थे। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस शराब के बड़े कारोबार के पीछे आखिर किसका हाथ है। तो क्या कुछ बोल रही है सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, सुनिए। 112 पे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक किसी कमरे में जो है वो अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, वहाँ से उसकी खरीद फरोख्त होती है। तो इसको लेकर आज पुलिस और मैं भी मौजूद हूँ प्रशासन के रूप में और हमारी आबकारी की टीम भी है। एक जब संयुक्त छापेमारी की गई है तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बोतलें बरामद हो गई हैं और इसमें जो हमारी आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है।